हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करते हैं सब ठीक ही होंगे। तो बहुत दिनों से कुछ ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग कुछ बना नहीं रहे थे, तो आज संडे थोड़ा घूम के आते तो कहाँ जाएंगे, थोड़ा आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए, तो मैडम भी रेडी हो चुकी है। हाय। तो सुबह 8 बजे जाने वाले थे, लेकिन हम लोग का इतना सारा काम होता है संडे को, मतलब कपड़ा वपड़ा धो के, मैडम का भी देरी हो गया, मेरा भी थोड़ा बहुत काम था, तो अभी हटे हटे 10 ही बज गया। तो अभी चलिए चलते हैं घूमने के लिए, है ना? चलते हैं। हाँ बिल्कुल। अभी ज़्यादा दूर जाने से पहले सिखा के लिए एक हेलमेट ले लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने नया रूल बनाया है, बाइक में 2 जन जाएंगे तो दोनों को हेलमेट पहनना पड़ेगा। और नया हेलमेट लेके सिखा मैडम एकदम बिल्कुल खुश, हंसती खिलखिलाती हुई। और ये हम आते आते आगे है एक पिकनिक प्लेस पे, जो है ब्रह्मपुत्र के किनारे, और यहाँ पे बहुत सारे बंदे आए हैं पिकनिक खाने के लिए। तो थोड़ा जगह का नज़ारा आप लोगों को हम दिखा देते हैं, बाइक को थोड़ा यहाँ पार्क कर लेते हैं। चलिए, अभी ये देखिए ब्रह्मपुत्र के किनारे में पूरा पार्टी वगैरह हो रहा है, लोग पिकनिक खाने के लिए आ रहे हैं। तो जगह जगह पे मतलब पार्टी चल रहा है, दुकान वगैरह भी है, तो पूरा यंगस्टर लोग है यहाँ पे, यंग जनरेशन का। तो ये एक्चुअली अभी नया नया बना है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन आप लोग मतलब ब्रह्मपुत्र के किनारे आके मतलब खाना खाने के लिए आ सकते हैं। जगह तो बढ़िया है, पेड़ पौधे झूला वगैरह झूल सकते हैं। सब अपना अपना मतलब बुकिंग करके यहाँ पे पार्टी करने के लिए आए, तो जगह बहुत बढ़िया है। वो देखिए ढोल वगैरह लेके लोग, बाकी गाना वगैरह लग रहा है तो मैं ऑफ करके रखता हूँ, नहीं तो कॉपीराइट वगैरह लग जाएगा, मेरा पूरा वीडियो खराब हो जाएगा। और शिखा यहाँ पे मुस्कुरा रही है, क्योंकि मैं जब भी हिंदी में बोलता हूँ तो शिखा इतना ज़्यादा बोलती नहीं है, आसामीज में जब बोलूँगा तब बोलती है। मतलब ऐसे कैमरे के सामने शिखा कुछ इतना बोलती भी नहीं है, छुप छाप से ही रहती है, लेकिन वैसे वो गुमसुम नहीं रहती है, इतना बात करती है ना वो, मेरे को भी पता है। घर में जब रहती है ना, बाप रे बाप, वो बात ही करती रहती है, कैमरे के सामने में थोड़ा बहुत शर्माती है। ठीक है, अभी जिस जगह से मैं जा रहा हूँ, इस जगह का नाम है मायंग। एक्चुअली ये गांव है, और ये मायंग गांव जो है जादूटोना के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों से लेके बूढ़ों तक सभी को मतलब जादूटोना आता है। अगर आपको जादू देखना है तो एक बार मायंग गांव विजिट कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली पोवितोरा। पोवितोरा जो है एक वाइल्ड सेंचुरी है। अभी 20 रुपया दे के बाइक पार्किंग के लिए मैंने टिकट ले लिया, और अंदर चलते हैं इसलिए। पोवितोरा, पोवितोरा गुवाहाटी सिटी से 48 किलोमीटर एहेड है, जो मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में है एक्चुअली पोवितोरा। और ये वन ऑन वाइनों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, और बहुत सारा चिड़िया भी आता है यहाँ पे, तो तेरह चिड़िया देखने को मिलेगा। और ये देखिए सरसों का खेत, पीला पीला सरसों का खेत, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं, तो कहाँ आ चुके? पोवितोरा। हाँ, पोवितोरा नेशनल पार्क। और यहाँ पे क्या है कि बहुत छोटा सा पार्क है अंदर, तो बच्चों के खेलने लायक कुछ है जगह, वो सब देख सकते हैं, बच्चे खेल रहे हैं। सब बच्चों का ही है ये सब, झूला वगैरह, दो दो पार्क है। बच्चा खेल रहा है। पाइन का पेड़ वगैरह है, और ये झील है क्या नदी है, मुझे पता नहीं चल रहा है, किसी से पूछना पड़ेगा। और हम लोग का शिखा देवी। और उस तरफ एक हैंगिंग ब्रिज, तो हम लोग जाएंगे हैंगिंग ब्रिज पे भी थोड़ा लटकने के लिए। बाकी अंदर जाने के लिए जीप सफारी वगैरह लेना पड़ेगा। और ये सब देखिए बोर्ड पूरा डूबा हुआ है, टूटा फूटा सा हो गया। वहाँ पे थोड़ा
अभी बाहर अभी देखने लायक इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं है, तो अंदर जाएंगे तभी मतलब एनिमल्स वगैरह दिखाई पड़ेगा यहाँ पे, तो उसके लिए लेना पड़ेगा आपको एलिफेंट सफारी जो अभी है नहीं, बंद हो गया है, तो उसके लिए सुबह आना पड़ता है, तभी तो बहुत देरी हो चुका है, अभी टाइम हो गया 2 बज चुके हैं भाई, अभी कैसे खुला रहेगा। लेकिन अभी जीप सफारी है, तो जीप सफारी करके मतलब इतना मज़ा नहीं आता है जो एलिफेंट सफारी का मज़ा है। एलिफेंट सफारी करने से मतलब देखने का बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एनिमल्स वगैरह वाइल्ड एनिमल, आपको जो गेंडा है, वन हॉर्न राइनो, तो वन हॉर्न राइनो, और फिर जो मतलब जंगली हाथी है, हिरन है, ये सब देखने का मतलब थोड़ा बहुत चांसेस होता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, कैमरा में नहीं आ रहा होगा, ये जो हैंगिंग ब्रिज है, तो हैंगिंग ब्रिज पे, और ये जो लेक है ना, इसका नाम है हाडुक लेक, तो इस लेक के ऊपर है, तो ये हाडुक लेक के ऊपर मतलब ये हैंगिंग ब्रिज है, तो इस ब्रिज पे ना चलने से मतलब ब्रिज पूरा ऐसे हिलता डुलता रहता है मतलब, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मैंने कहीं नशा वशा तो नहीं कर लिया, तो ब्रिज के ऊपर मतलब चलने से ऐसा लगता है कि कुछ नशा वशा कर लिया है, इधर से उधर उधर से इधर डोलता रहता हूँ। और हम लोग के मैडम जी को देखिए, पूरा बिना डरे पूरा एकदम, थोड़ा सा भी डर नहीं है। ये मगर वीडियो करबा तो मैडम बोल रही है कि यहाँ पे मेरा थोड़ा बहुत वीडियो वगैरह फोटोशूट वगैरह कर लेना, तो उनका तो मतलब फोटो खींचने का ही शौक है। तो नासी नासी आई बने गान मैं गाई दी माता हाँ ना मैं गाई दूँ कुंजलता कपोफुल दिया और मैडम के साथ थोड़ा फोटोशूट भी कर लिया। ये तो खुली बटन मैडम खोल नहीं पा रही है, तो मैं खोल के दिखाऊंगा कैसे खोलते हैं। मैं टाइट हां देखो कैसे खोलते हैं, कुछ भी नहीं आता तुमको। हां मत दे अभी थोड़ा हल्का फुल्का सा पेट पूजा हो गया है, तो आगे बढ़ते हैं। और अपना जो कूड़ा कचरा है उसको इधर उधर मत फेंकिए, उसको अपने ही साथ लेके जाइए। अगर कहीं रास्ते पे आपको डस्टबिन वगैरह दिखाई पड़े तो डस्टबिन में फेंकिए, नहीं तो घर पे लेके जाइए और घर में जाके डस्टबिन में फेंकिए, ठीक है। आखिरकार ये देश आपका है, तो आपका भी जिम्मेदारी बनता है उसको साफ सुथरा रखने का, ठीक है। सरसों के खेत के बीच में यहाँ से हम ये देखिए छोटा सा रास्ता है, दोनों तरफ सरसों का खेत है। तो बोल रहा था ना, तब सरसों का खेत मुझे बहुत बढ़िया लगता है, बहुत अच्छा लगता है, तो उसका नज़र आप लोग भी लीजिए ना, कितना बढ़िया दिखे, अच्छा लग रहा है ना।
देखिए कितना बढ़िया है। Finally we have reached here. So beautiful. We are just enjoying it. बहुत बढ़िया है। ये आप लोग देखिए कितना अच्छा जगह है। यहाँ पे पीला पीला सरसों का खेत है और बगल में पहाड़ भी है, देखिए आप लोग। सच में बहुत ही सुंदर जगह है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग स्वर्ग पे आ गए, हेवन पे आ गया। हाँ सच में बहुत सुंदर जगह है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब देखिए बचपन से ही मुझे ये सरसों का खेत बहुत अच्छा लगता है। इसमें जब फोटो खींचती हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तुमी मोरी आका खोरी, तुमी मोरी जूना कोरी, तुमी मोरी खापुनारी, तुमी मोरी दीथा कोरी, तुमी मोरी आका।